हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चेस की पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया मैच लेकर आए हैं, जो कि प्रगण और मुकेश के बीच कैंडिडेट्स के सेकंड राउंड में खेला गया है। इसमें प्रगण व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे हैं, जबकि मुकेश ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे हैं। व्हाइट पीसेस से खेलते हुए प्रगण ने सबसे पहले d4 मूव से मैच को शुरू किया है, जिसके जवाब में d5, c4, फिर e6, यानी क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन की यहाँ पर पोजीशन है, क्योंकि ये पॉन गैम्बिट के लिए था, जिसको एक्सेप्ट ना करते हुए e6 पॉन को मूव कर दिया गया है। Nf3, Nf6, g3, ताकि बिशप को g2 पर डेवलप करके शॉर्ट कासल किया जा सके। बिशप b4 चेक, नाइट c3 से ब्लॉक किया गया चेक को। डी टेक c5, फाइनली जो गैम्बिट के लिए पॉन था उसको कैप्चर कर लिया गया है। बिशप g2 कासलिंग के लिए प्रिपेयर करते हुए शॉर्ट कासल, शॉर्ट कासल, तो दोनों साइड्स ने शॉर्ट कासल की है। इसके बाद नाइट c6 जो कि गुकेश ने चला है। a3 से बिशप पर अटैक किया है, और बिशप के लिए यहाँ पर चॉइस डेवलप की गई है, या तो नाइट को कैप्चर किया जाए या फिर बिशप को रिट्रीट किया जाए। इस पोजीशन में गुकेश ने बिशप को e7 पर रिट्रीट किया और सॉलिड अपने डिफेंस को डेवलप करने की कोशिश की है। e4 सेंटर पर दो पान पुश किए गए हैं। a6, बिशप e3, b5, क्वीन e2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट पीसेस की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोनों रुक्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो फुली डेवलप्ड है। जबकि ब्लैक के लिए अगर हम देखें तो अभी डेवलपमेंट प्रिसीडिंग है। बिशप यहाँ पर है और क्वीन भी है, तो लगभग दो मूव्स अभी यहाँ पर और उन्हें चलने हैं अपनी डेवलपमेंट को फिनिश करने के लिए, जिसमें से बिशप b7 को मूव कर दिया गया है। रुक d1 यानी रुक को सेंटर पर लाया गया है। नाइट a5, d5, सेंट्रल पॉन को फिर से पुश कर दिया। यहाँ पर एक और पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं प्रगानंदा, एक पॉन वो पहले ही c4 स्क्वायर पर सेक्रीफाइस कर चुके हैं। e टेक्स d5, e5, यहाँ प्रगानंदा ने e5 को पुश कर दिया है। नाइट e8, e6 को भी यहाँ पर पुश कर दिया है। F5, यहाँ पर मुकेश ने F5 को मूव किया है, और F5 को मूव करने के बाद इस पॉन को स्टॉप करने के लिए कोई भी पॉन अब अवेलेबल नहीं है। ना तो E पर कोई पॉन अवेलेबल है, ना ही D7 पर है, और ना ही F7 पर है। आगे देखते हैं, नाइट E5, तो पॉन की हेल्प से अब नाइट को D7 या फिर F7 पर प्लेस किया जा सकता है। नाइट F6, क्वीन c2, c6, क्वीन टेक्स f5, क्वीन e8, नाइट f7, बिशप c8, रुक e1, नाइट b7, बिशप g5, रुक a7, बिशप टेक्स f6, बिशप टेक्स f6, बिशप टेक्स d5। यहाँ पर एक बहुत ही ब्रिलियंट सेक्रीफाइस, एक और सेक्रीफाइस प्रगानंदा ने यहाँ पर किया है। इससे पहले वो दो पॉन सेक्रीफाइस कर चुके थे, अब उन्होंने अपने बिशप को सेक्रीफाइस किया है, d5 के पॉन को कैप्चर कर लिया है, और यहाँ पर दो पॉन उन्होंने ले लिए हैं। c6 का पॉन भी अब मैच में नहीं है और d5 का पॉन भी नहीं है, और आप देख सकते हैं जो कि e6 पर प्लेस्ड पॉन है वो काफी डेंजरस है। बिशप e7, क्वीन g4, तो प्रगानंदा के लिए यहाँ पर ये बहुत ही वीक मूव प्रूव हुआ। ये एक मिस्टेक उनसे हुई कि उन्होंने क्वीन को g4 पर प्लेस कर दिया। इसकी बजाय नाइट h6 चेक एक बेटर चॉइस थी। अगर वो नाइट h6 से चेक चेक देते तो ये कैप्चर हो जाता, फिर क्वीन g4 पे चेक के साथ क्वीन d4 का स्क्वायर उनके लिए अवेलेबल था, जो कि रुक पर अटैक कर रहा होता। साथ ही ये पॉन जो कि e6 पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको भी आगे फर्दर मूव करने में बहुत आसानी रहती है। यानी लगभग इक्वल पोजीशन यहाँ पर डेवलप थी, लेकिन क्वीन को g4 पर रखकर ये पोजीशन प्रगानंदा के लिए थोड़ी सी अनसेफ यहाँ पर प्रूव हुई, और -1.44 के अप्रोक्स की एडवांटेज यहाँ पर गुकेश को मिल गई। उन्होंने नाइट d8 को मूव किया, और अब कोई भी डिस्कवर्ड मूव करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस चेक के साथ किंग इजीली
H8 स्क्वायर पर आ सकते हैं और नाइट दोबारा से यहाँ पर चेक नहीं दे सकता क्योंकि इस स्क्वायर को नाइट D8 से गार्ड कर लिया गया है। इस पोजीशन में नाइट्स को एक्सचेंज कर लिया गया। क्वीन D4 ने रुक पर अटैक किया और रुक B7 रुक को डिफेंड कर लिया मुकेश ने। रुक E4, बिशप F6 से क्वीन पर अटैक है। क्वीन E3 पर बिशप को वापस E7 पर प्लेस कर दिया गया है। पॉन H4 पर मूव, क्वीन C6। अब जो सेक्रीफाइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल यहाँ पर सेक्रीफाइस है जिसकी वजह से मटेरियल एडवांटेज यहाँ पर मुकेश के पास है और मैच अगर इक्वल पोजीशन पर ऐसे ही चलता चला जाता है और पीसेज एक्सचेंज हो जाते हैं और कोई कॉन्क्रीट आइडिया यहाँ पर अगर प्रज्ञानंदा को नहीं मिलता है तो ये मैच लगभग लगभग लॉस्ट पोजिशन प्रज्ञानंदा के लिए प्रूव होगी। H5, बिशप से क्वीन को अटैक किया। क्वीन G5, बिशप टेक्स E6, तो E6 का पोन भी अब लूज कर रहा है। इसके साथ H6, लेकिन ये जो G7 का स्क्वायर है इसको बिल्कुल अच्छे से रुक B7 ने डिफेंड कर रखा है तो यहाँ चेकमेट की कोई संभावना नहीं है। रुक टेक्स F2 और जैसे ही रुक ने F2 पोन को कैप्चर किया तो इस पोजीशन में प्रज्ञानंदा ने रिजाइन कर दिया और ये मैच मुकेश ने जीत लिया है।